गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की वीडियो में टिप्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगी आपको रिलेटेड टू द लिसनिंग एमसीक्यूज। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं एग्जैक्ट आंसर मिलता क्योंकि जो स्पीकर होता है वो तीनों ऑप्शंस को ही बोल देता है, जिनके कारण बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। उनको पता नहीं लगता कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा आएगा। सो आई होप जो मैं स्ट्रैटेजी आपको टीच करूँगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थवाइल होगी। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कीवर्ड लेने होते हैं। इसमें भी हम कीवर्ड के ऊपर ही फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम रीड करने का बहुत ज़्यादा कम होता है और हमारे एमसीक्यूज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा जो कीवर्ड होगा वो हो गया फर्स्ट इंक्लूड, क्या होगा रिफ्लेक्टिव जर्नल पे, टॉपिक होगा, स्टडी होगा, सजेशंस होंगे, ये हम रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वुमेन के पास क्या था, फ्रेंड की हेल्प ली थी उसने, बुक्स थे या सफिशेंट रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसके, ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि जो बिगेस्ट अचीवमेंट थी मैन की वो क्या थी, कि उसने वेटर की तरह काम किया, ये थी उसकी अचीवमेंट, या उसको ऑफर मिला था टीम को लीड करने के लिए, या फिर वो चेयरमैन बन गया था स्टूडेंट यूनियन का। फिर उसके बाद मैन ने क्या डिसाइड किया कि वो खुद करेगा, ट्यूटर की हेल्प लेगा या दूसरों को सुनेगा। डिस्कशन के बाद मैन का एटीट्यूड कैसा था, यूज़लेस था, लुक फॉरवर्ड करेगा या फिर वो अनसर्टेन फील कर रहा था, ठीक है। जो मैन का रिफ्लेक्टिव जर्नल था उसमें क्या शो किया गया था, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया गया था, मिस्टेक्स के बारे में बताया गया था या फिर अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया था। आई होप ये आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी नंबर वन होता है जिसमें आपने कीवर्ड को लेना होता है और उसको जस्ट अपने माइंड में रखना होता है कि इन इन चीज़ों के बारे में मेन बात की गई है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे इसके। इस टाइम को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना और कभी भी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना। एक बार माइंड डाइवर्ट हो गया तो कभी भी लिसनिंग में अच्छा बैंड स्कोर नहीं आएगा, जबकि लिसनिंग एक बहुत ही ज़्यादा इजी मॉड्यूल होता है हमारे ओवरऑल बैंड को अमेलोरेट करने के लिए। सो ऑलवेज गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर आपके पास है डिटर्मिनेशन की पावर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो एग्ज़ाम है जस्ट, इसको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। सो अब हम लोग इसको करते हैं और देखना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको सारी स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। प्रोफेसर टॉमलिंसन, may Annie and I please quickly ask you a few questions about the reflective journal assignment? कहते हैं मैं और एनी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो किससे रिलेटेड हैं, जर्नल असाइनमेंट से रिलेटेड हैं। It's just that we're a bit confused as to what you want us to include and discuss. कहते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हैं, हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम किस चीज को इंक्लूड करना है और क्या हमने डिस्कस करना है। Yes, of course. What are you having trouble with? Well, everything really. To start with, what should be included first in the reflective journal? Perhaps suggesting. क्या बोला? First, क्या हमें include करना चाहिए reflective journal में? और हमारा question भी यही था। अब ये बात तो हम make sure हो गया कि हमारे first question की बात start हो चुकी है और यहाँ भी हमें अब मिलेगा हमारा answer। देखते हैं क्या है हमारा answer? From others? No, no. Firstly. उसने क्या बोला कि हम सजेशन ले सकते हैं दूसरों से, उसने बोला नो नो हम नहीं ले सकते। सो हमारा सी वाला तो नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। You should include the study goals you set yourself. उसने क्या बोला, हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए स्टडी गोल्स को जो हमने सेट किए हैं। स्टडी गोल्स मीन स्टडी एम्स। सो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, बी। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमारा आंसर बी क्यों आया, ठीक है। अब हम सेकंड को देखते हैं कि वुमन के पास क्या है। Module. This section should have been discussed in some detail towards the beginning of the course by Professor May. You should be able to find her suggestions on the slides she has provided the class online. Okay, thank you, Professor. Could I also trouble you to take a brief look at my bibliography and footnotes? I feel like they're missing something. Most of our friends' bibliographies are longer. Well, गाइस यहाँ पे फ्रेंड्स की बात तो हो गई है। बहुत से बच्चे फ्रेंड्स
आंसर लगा देंगे। लेकिन गाइस वहाँ पे फ्रेंड की बिब्लियोग्राफी की बात हुई है, यहाँ पे फ्रेंड की हेल्प की बात है, तो हेल्प की बात तो वहाँ पे उसने नहीं बोली, सो दैट्स वाई हमारा फर्स्ट आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। This Annie. I can see that you have used a wide range of resources. यहाँ पे उसने alternative words use किया है। The woman has got और you have used। उसके पास क्या है और उसने क्या use किया? दोनों एक दूसरे के alternative words है। क्या use किया था उसने? Wide range of resources। यहाँ पे क्या? Sufficient resources। Sufficient resources means wide range of resources उसने use किए थे। ठीक है? तो हमारा second answer क्या होगा? C होगा। अब हम देखते हैं कि बी की कहीं बात तो नहीं की हुई उसने। Shows that you have made effective use of communication technology. उसने वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज को यूज किया था अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव करने के लिए। इफेक्टिव किसका वहाँ पे अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया है? गुड का। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि हमारा आंसर अब सी ही आएगा। अब हम आगे देखते हैं। As far as I can tell, you need not make any changes to this. Although you might want to double check that your referencing complies with the Harvard referencing style regulations. Oh, I'm very surprised you've said that. Thank you. Now I can set my mind at ease. Tom, you said you wanted to... देखो, अब टॉम की बात स्टार्ट हो गई है। सो हम तो मेक श्योर हो गए कि हमारा आंसर सी ही आया, क्योंकि फ्रेंड की बात हुई थी, हेल्प की बात नहीं हुई और बुक्स की तो बात ही नहीं हुई। सो दैट्स वाई हमारा आंसर सी ही करेक्ट है। अब हम देखते हैं आगे कि कौन सी उसकी बिग अचीवमेंट। Ask the professor about the achievement section. Ah, yes, Professor. In the assignment guidelines, we were asked to introduce and elaborate on our biggest achievement in the past, saying which skills we learned in the process and how these skills can be transferred to various different future careers. The only problem is that I don't know what my greatest achievement actually is. I've only ever worked as a waiter in a hotel restaurant during the summer holiday. अब उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी बिग अचीवमेंट क्या थी। कहता मैंने वेटर का तो वर्क किया था। अब उसने ये नहीं अभी तक बताया कि ये उसकी बिग अचीवमेंट है या नहीं है। बहुत से बच्चे क्योंकि आंसर ये लगा देंगे मुझे पता है, लेकिन ये उसने ये नहीं बताया कि उसकी बिग अचीवमेंट है या नहीं है। उसने बोला मुझे पता ही नहीं मेरी बिग अचीवमेंट है क्या। अब आगे देखते हैं। He's from university. If you worked as a waiter in a hotel restaurant, you're bound to have worked with other waiters as part of a team. Would you say that during your time as a waiter, you developed any leadership skills? Yes, well, I suppose I was asked to become the team leader of the food and beverage department. उसने क्या बोला कि जब वहाँ पे तुम काम कर रहे थे, तुमने काफ़ी सारे वेटर के साथ डील भी किया था। उसने बोला मैंने डील ही नहीं किया था, मुझे ऑफर भी मिला था टीम को लीड करने का। तो ये उसकी क्या हो गई? बिग अचीवमेंट हो गई। अब देखना, अब हम देखते हैं। अब तक तो मुझे आंसर बी लग रहा है, लेकिन हम सी देख लेते हैं कि सी की बात हुई है या फिर नहीं हुई है। I never would have thought to write that down. Thank you. I guess I should start listening to our... देखो गाइस, अब यहाँ पर उसने कोई भी बात चेयरमैन की नहीं की है। ठीक है, उसने बोला कि मुझे ये लीडर का रोल मिला था, तो स्पीकर ने बोला यही तुम्हारी एक बिग अचीवमेंट थी। उसने बोला मैंने तो वेटर का काम किया था, लेकिन उसने बोला मुझे नहीं पता मेरी बिग अचीवमेंट वो है या नहीं है। फिर उसने बोला कि मुझे ऑफर मिला था, तो वो मेरी बिग अचीवमेंट है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब मैंने क्या डिसाइड किया है वो हमने देखना है। ठीक है, Start listening to others more often. तो उसने क्या किया? स्टार्ट करना शुरू कर दिया दूसरे लोगों को। आई गेस आई शुड स्टार्ट लिसनिंग टू अदर। मैंने क्या डिसाइड किया? उसने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैं दूसरे लोगों को सुनूंगा। तो यहाँ पे क्या है, उन्हें खुद नहीं सोचा, उन्हें कोई ट्यूटर की बात नहीं कही, उसने कहा मैं दूसरों को सुनूंगा। ठीक है, लिखा हुआ ना यहाँ पे लिसनिंग टू अदर्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है लिसनिंग टू अदर्स। सो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ का सी हो गया। अब हम फिफ्थ की बात करते हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा था डिस्कशन के बाद। Do you have any more questions or are you ready to go back to the library? Yeah, I think I've got everything I need. Thank you very much, Professor Tomlinson. That was really helpful. I'm actually starting to look forward to write. देखो
पापा कि मैं इसके ऊपर लुक फॉरवर्ड करूँगा। उसने यूजलेस की बात भी नहीं की और सर्टेन की बात भी नहीं की, उसने बोला कि मैं इसके ऊपर लुक फॉरवर्ड करूँगा। तो हमारा फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम सिक्स देखते हैं, हमारा सिक्स का आंसर क्या आएगा? Now, and it should be a really useful exercise to prepare us for writing CVs and applying for jobs. It's shocking how bad I am at identifying my strengths and weaknesses. Professor Tomlinson has shown me that I definitely need to start displaying some self-awareness. उसने बोला कि मुझे तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता ही नहीं था। Tomlinson has shown me that I definitely need to start displaying some self-awareness. अब उसको क्या करना चाहिए? Self-awareness के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? तो that's why हमारा answer self-awareness हो गया, क्योंकि कोई भी बात mistakes की भी नहीं की गई और achievements की भी नहीं की गई। हमारा आंसर सेल्फ अवेयरनेस क्यों हुआ? क्योंकि उसने बोला कि मुझे, प्रोफेसर ने बोला कि तुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए और मिस्टेक्स की बात भी नहीं की, अचीवमेंट्स की बात भी नहीं की। अब एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, जिससे क्या होगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके ओवरव्यू को। गाइस देखो, सबसे पहले उसने क्या कहा कि इसमें फर्स्ट इंक्लूड क्या होगा, ठीक है? उसने बोला सजेशंस होंगे, वो कहती नहीं होंगे। उसने बोला था स्टडी गोल्स होंगे, सो दैट्स वाई हमारा आंसर बी आ गया था। वुमेन के पास क्या था? अब फ्रेंड्स की बात तो वहाँ पे हुई थी, लेकिन हेल्प की बात नहीं हुई थी, वो फ्रेंड की बिब्लियोग्राफी की बात की गई थी, बुक्स की तो बात ही नहीं की गई। और उस सफिशेंट की जगह वहाँ पे हमें वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज मिला था, गुड की जगह वहाँ पे हमें इफेक्टिव मिला था, सो दैट्स वाई हमारा आंसर सी आया था। बिग अचीवमेंट्स की बात क्या थी? उसने बोला था मैंने ये वर्क किया था वेटर, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरी बिग अचीवमेंट है या नहीं है। फिर वहां पे उसने बोला कि मुझे ऑफर मिला था, तो स्पीकर बोलता है कि वही तुम्हारी अचीवमेंट्स है, क्योंकि वो तुम्हारे करैक्टर को प्रेजेंट करती हैं। सो दैट्स वाई हमारा थर्ड का आंसर क्या होया? बी हो गया था, क्योंकि हमारे सी की तो कोई भी बात ही नहीं की गई थी, ठीक है? बी में उसने क्या डिसाइड किया था कि वो दूसरों को सुनेगा, उसने कोई ट्यूटर की बात नहीं की थी, खुद भी वो नहीं करेगा। उसने बोला था मैं दूसरों को सुनूंगा। उसका एटीट्यूड डिस्कशन के बाद कैसा था? वो कहता था कि मैंने लुक फॉरवर्ड करूंगा इसके ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने यूजलेस की बात भी नहीं की और अनसर्टेन की बात भी नहीं की। फिर उसके बाद क्या था कि प्रोफेसर ने उसको बताया था कि तुझे अपने जर्नल में क्या इंक्लूड करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस। उसने बोला था कि मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में उसको पता ही नहीं था, तो अब वो इंक्लूड करेगा सेल्फ अवेयरनेस को। मिक्स